केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा किसानों के विरोध में थोपे गए काले कानून और पेट्रोल डीजल गैस के बढ़ते दामों के विरोध में प्रदेश कांग्रेस ने जिला और ब्लॉक स्तर पर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के निर्देशानुसार प्रत्येक जिला और ब्लॉक स्तर पर 19 दिसंबर को विरोध प्रदर्शन किए गए। केंद्र एवं प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा गैस सिलेंडर तथा डीजल पेट्रोल की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि और किसानों के विरोध में पारित 3 काले कानूनों के विरोध में चलाए जा रहे आंदोलनों को दबाने का भी विरोध किया जाएगा। इसे लेकर 19 दिसंबर को ब्लॉक कांग्रेस कमेटी घनसौर ने लखनादौन घनसौर विधानसभा के क्षेत्रीय विधायक योगेंद्र सिंह बाबा, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी घनसौर अध्यक्ष राजेंद्र पटेल, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष केदारपुर दयाराम मसराम एवं जिला पंचायत सदस्य सिवनी व चित्रलेखा नेताम की उपस्थिति में सरकार की जन विरोधी नीतियों के विरोध में सभी कांग्रेसजनों ने उपवास रखकर विरोध दिवस मनाया। घनसौर से दिलीप यादव की रिपोर्ट। आज ये जो तहसील स्तर पर ज्ञापन सौंपा गया, तो क्या मांगे हैं और क्या जो किसानों की मांगे हैं, में क्या मांग करते हैं कांग्रेस पार्टी के लोग? हम सब मिल के किसान के हित की बात आज दिनांक 19 को हम सभी कांग्रेसियों ने उपवास रख कर धरना लेकर के ज्ञापन सौंपा और केंद्र सरकार की किसान विरोधी नीतियों के कारण जो 3 काले कानून उन्होंने जो बनाए हैं उसके खिलाफ में हम सब कांग्रेसी लोग इकट्ठे हुए हैं। तो आज इस धरना प्रदर्शन में मैं महिला कांग्रेस की ओर से भी जो 1 महीने से रसोई गैस की बढ़ोतरी करीब 100 रुपये की गई, उसकी मैं समस्त महिलाओं की तरफ से केंद्र सरकार की मोदी जी की घोर निंदा करती हूँ। और जिस तरह से हमारे किसान परेशान हैं इस कोरोना काल में, हमारे मध्यम परिवार के छोटे छोटे व्यापारियों के धंधे पानी सब बंद हैं, ऐसे कोरोना काल के मार में जिस तरह से पेट्रोल डीजल की भी बढ़ोतरी की गई है, उस सभी को लेकर के हम सब कांग्रेसी आज एकत्रित हुए हैं। हम सभी मिल के केंद्र सरकार की नीतियों की घोर निंदा करते हैं, करेंगे जब तक कानून वापस नहीं होगा। हम सब समर्थन में एकजुट हैं और रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। आज जो कांग्रेस पार्टी द्वारा ज्ञापन सौंपा गया, क्या थी प्रमुख मांगे? आज केंद्र सरकार और मोदी सरकार के द्वारा जो दमनकारी नीतियां अपनाई जा रही हैं, रेगुलर पेट्रोल और डीजल के दामों को बढ़ाए जा रहे हैं, किसानों को MSP नहीं दी जा रही है, उनके हक की लड़ाई के लिए जब किसान दिल्ली बॉर्डर पे खड़ा हुआ तो उनको जंतर मंतर तक जाने नहीं दिया जा रहा है, उनके विरुद्ध में षड्यंत्रकारी नीतियाँ अपना अपना कर क्षेत्रवार वो किसानों को बलगा रहे हैं कि वो किसी तरह से बलग के उनके पक्ष में आए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। किसान बहुत मजबूत है, ना वो पूंजीपतियों के, ना सरकार के बहकावे पे और ना ही प्रशासनिक डंडे से मानने वाला है। किसान अब अपना अधिकार लेने के लिए जंग पे उतर चुका है, जिसमें कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस का हर कार्यकर्ता आज जी तोड़ मेहनत के साथ और पूरी अपनी किसानों के प्रति जो श्रद्धा है उसके साथ आज लड़ाई में किसान कांग्रेस, भारतीय युवा कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी सभी मैदान पे हैं और किसानों का पूर्ण समर्थन करती हैं। और आज रेगुलर देख रहे हैं आप, 15 दिनों के अंदर जो 100 रुपये गैस के दाम बढ़ाए गए हैं, लोगों के पास कृषि यंत्र तो हैं लेकिन आज इतना ज़्यादा मूल्य बढ़ाया जा रहा है कि डीजल पेट्रोल आप देख रहे हैं लगभग 100 पार करने वाला है। ऐसी स्थिति में यदि MSP भी नहीं मिल रही है, किसान को मूल्य भी नहीं मिलेगा तो खेती कैसे करेगा, खेती बंद कर देगा तो आम जनजीवन की स्थिति क्या होगी? धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।